और आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं जेल एस्केप स्टिकमैन। तो अभी हमारा इंट्रो चल रहा है। ओके, तो मतलब कि चोर वोर आ गए थे और जो है वो उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। तो अभी हम लोग को जो है वो स्किप करनी है जेल। तो अभी हम जेल के अंदर हैं और अभी हमें किस तरह जाना है वो हमें देखना है। तो आई थिंक दीवार तोड़ने का है और बाकी चीज़ें समझ नहीं आए, तो ऐसा करते हैं ये वाला लेते हैं। और आई डोंट थिंक इससे कुछ काम होने वाला है, तो हमें दूसरा कुछ और लेना होगा। ओके, तो अभी हम सोच रहे हैं कि भाई अब क्या लें। तो ये हाथ को मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हाथ ही ले रहे तो पता नहीं क्या हो रहा है, इससे हाथ से तोड़ रहा है। ओहो, हाथ से टूट गया लेकिन उससे नहीं टूटा। तो फिर हमारा सक्सेस तो हो गया, हाथ में ज़्यादा जान है इसके। ओके, तो अभी हम रेट इसको नहीं देंगे। ओके, तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। टैप टू फिला वजह का बस। ओके थैंक यू, आगे चलते हैं। ओके, तो अभी हम जेल से निकल चुके हैं और सामने डॉग ही है। तो जहाँ तक मुझे पता है डॉग हड्डी खाते हैं, तो हम इसको हड्डी दे देंगे। और यस, मेरा काम आसान हो चुका है। ओके, बस ना हो गया सक्सेस। ओके, तो हम आगे चलते हैं एंड सेकंड राउंड पे फिर रूफ पे आ चुका है और उसके नीचे देखने में डर लग रहा है, बेचारा बहुत परेशान है। तो अभी हम सीढ़ी दे देंगे इसको। नीचे उतर जाता सीढ़ी से डायरेक्ट। खैर, अभी तो हम आगे आ चुके हैं और ये भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ओके, न्यू रूम आ चुका है अब हमारा। और ये क्या है? ओके, तो न्यू रूम में हमारे पास एक बेंच आ चुकी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड राउंड और इसके अंदर हम लॉन्ड्री में हैं और आगे गार्ड खड़ा है। तो हम ऐसा करते हैं, कपड़े वाले बन के चले जाते हैं। ओके, पुलिस की कॉस्ट्यूम पहन रहा है। ओह अच्छा, कपड़ों के नीचे छुपा हुआ था ये, अब समझ आया। तो अब हम ऐसा करते हैं, लॉन्ड्री वाले बन के चले जाते हैं। तो ये कार्ड के पीछे जो है वो छुप कर जा रहे हैं और निकल गए हम आसानी से। ओके, तो अब ये बाहर की साइड आ चुका है और अब क्या करना है, इसको सामने से तोड़ना है। ओके, तो क्या है, डोर लगा देगा, क्या करना है, तो खुला हुआ तो है रास्ता। ये क्या हुआ, करंट समझ नहीं आया, रास्ता तो खुला हुआ है। चलो दोबारा करके देखते हैं। हम यहाँ से लेंगे कार्ड और फिर ये इसके अंदर से छुप के चले जाएगा। फिर आगे का मुझे समझ नहीं आ रहा, दरवाज़ा तो खुला हुआ है। आई थिंक कुछ करना है हमें, तार वार काट के जाने क्या है पता नहीं, अभी देखते क्या करना होता है। और आप लोग अगर करेक्ट करेक्ट आंसर दे रहे हो तो कमेंट में जाके ज़रूर बताना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो हम वापस वहाँ पर आ चुके हैं और ये क्या, फैलांग के जाना, फैलांग कर चले जाते हैं। ओके, वो सुपरमैन की तरह कूद क्या। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो अभी बाहर कूद गया था ना, फिर क्या हो गया। ओके, बॉडी बिल्डर आया हुआ है, तो मैं इसको दो ही दे देंगे, इसके हाथ में तो बहुत जान है भाई। ये क्या हुआ, अभी तो दीवार तोड़ दी थी इसने।
ठीक है, क्या करें फिर? मोबाइल है, आई थिंक मोबाइल से इसके बंदे तो नहीं आ जाएंगे, पता नहीं सीक्रेट से कि देखते हैं, क्या पता इसका दोस्त बन जाए। नहीं भैया, सीक्रेट नहीं पीता, फ़ोन करके बुलाएगा ही अपने बंदे, मुझे यही लग रहा है। भी देख ले तो ये, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से, मतलब कि ये कैसे है? अच्छा ये चोर था क्या, तो मुझे समझ नहीं आया। इसका मोबाइल तो ये बिजी हो गया उसके अंदर, वाह यही हो गया अब तो सबका हाल। ओके सामने एक गार्ड खड़ा हुआ है और ये छुपा हुआ, इसको जाना है आई थिंक। अगर टीवी का रिमोट दे दे तो टीवी में मगन हो जाएगा। या यही हुआ है। ओके तो अब हम अपने नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं और हमारे 5 days लेफ्ट हो गए हैं। देनी चाहिए खिड़की, तो अभी हमारे 5 दिन बचे हैं स्केप करने में। ओके तो ये है हॉस्पिटल, अब डॉक्टर बन के चले जाएंगे हम। ओके रूम था ये, तो हम डॉक्टर के रूम में आ चुके हैं। क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, रूम चूज करना था कि कौन से रूम में जाना है। और राइट सही है, तो अब हम आ चुके हैं आगे, चाहे वो डॉक्टर बैठे हुए, तो हम भी जो है वो कॉस्ट्यूम पहन के चले जाएंगे आराम से। ओके ये क्या हुआ, क्या हुआ उसने हाथ में कुछ दिखाया, बट वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दिखाया। खैर 3 रूम है हमारे पास, तो हम डॉक्टर्स के रूम में जाएंगे। ओके जल्दी जल्दी आ जाओ, तो अब हमें आगे का चूज़ करना है। ओके तो मैं तुमने कर लिया था ना, और यहाँ पर कोस्ट ये स्प्रे, आई थिंक स्प्रे सही है। स्प्रे से क्या हुआ, ओ बेहोश हो गया, नींद की दवाई भी ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ कैसे रहा है वो, एक पाँव उसका बेड की तरफ है। ओके टनल में से जा रही है चुपके चुपके, और सामने से एक रैट आ गया, रैट को खामोश कराना है, तो चीज़ देनी पड़ेगी क्योंकि रैट चीज़ ही खाता है। अब तो चले जाओ, मैंने ये राउंड भी सक्सेसफुली पार होने वाला है। ओके प्रीमियम स्टोरी सेव माय गर्ल, अभी नहीं खेलेंगे, अभी जो हम खेल रहे हैं उसी पे जाएंगे। 4 days लेफ्ट। ओके भाई यहाँ पर कार्ड है जो बुक पढ़ रहा है, एंड नींद, आई थिंक यानी म्यूज़िक से इसको नींद आ जाएगी मुझे लग रहा है। इसको भी आ गई, इसको भी नींद आ गई। खैर अभी हम दूसरी म्यूज़िक बजानी पड़ेगी, तो देखते हैं भाई कौन सी म्यूज़िक बजाते हैं। और ये तो एक गिटार है और एक म्यूज़िक है, तो गिटार बजा के देखते हैं, क्योंकि अगर गिटार बजाएंगे तो इसको तो नींद नहीं आएंगे। और शोर हो गया, ओहो शोर हो गया। ऑलराइट हर रूम में कोई ना कोई पोस्टर बना हुआ है, अगर आपने नोटिस किया तो कमेंट में ज़रूर बताना। कैब ये वाली म्यूज़िक, ये वाली म्यूज़िक क्या है, सिंपल म्यूज़िक है ये बस, और इससे सिर्फ इसको नहीं ना, इसको नहीं आई उसमें तो ड्राउजीनेस में, तो उसको भी क्या है भाई, उसमें सीटी बजा के जा रहा है, अब नहीं उठा वो। क्या खैर आगे यहाँ पर एक और गार्ड है, अगर उसका पंखा चला तो उसके सारे पेपर बिखर जाएंगे और ये पकड़ने लग जाएगा। लो भाई उसके मुंह पर ही आ गए। उसके मुंह पर ही चिपक गए। ओके यहाँ पर एक और गार्ड है और ये भी पेपर पे कुछ लिख रहा है। आई थिंक हमें क्या करना चाहिए, लाइट फोड़ देंगे तो किसी को कुछ नज़र ही नहीं आएगा। ये क्या हुआ, लाइट तो बंद नहीं हुई। लाइट तो बंद नहीं हुई, तो
तो अब हम फिर से कर ओ यहाँ से ही आ गया। खैर चलो यहाँ पे हम नई वाली म्यूज़िक लगानी है एंड अब ये सो जाएगा वहाँ पर। आई थिंक सो कि उसकी पिक्चर वगैरह कुछ गिरानी होगी या फिर ऐसा हो सकता है। अभी देखते हैं क्या करना होता है। और यहाँ पे हमने पंखा चला दिया था ओके। अब आगे क्या करना है वो देखना है। यहाँ पर या तो उसकी पोस्टर गिरेगी या फिर जो लाइट फूटनी चाहिए थी तो अंधेरा हो जाता, ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो खैर अभी इसकी फ्रेम गिरा देते हैं इसका ओके। ये क्या हुआ, गिर गया, खुद ही गिर गया। मतलब कि ये यार पास है को भी लोग फेल कर। अब फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह तो अब यहाँ पर हमने वाली म्यूजिक लगानी है, फिर पंखा चलाना है और फिर वैसल पता नहीं क्या फूटेगा क्या होगा मुझे नहीं पता। चलते हैं ओके। हमारा सक्सेस हो चुका है ये वाला लेवल। पंखा चलाना है अब, ये हमारा पंखा भी चल गया, पेपर सारे इसके मुंह पे भी चिपक गए। एक ही पेपर निकला वही जो वैसे लगाए पता नहीं आटे की बोरी हो जैसे। खैर अब आगे यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, वैसल के अंदर क्या होगा नहीं पता। ओके टूटा ही हो गया, ये क्या हुआ, बेहोश हो गया वो उसकी आवाज़ सुन के। आई थिंक ये समझा होगा कि भूत आ गया। तो चलो अब हम आगे, 3 days लेफ्ट हो गए हमारे, जल्दी से अपना करते हैं। ओके हमारे पास एक टॉयलेट भी आ चुके बट हमें नहीं चाहिए। लो जेल की चीज़ें भी हमसे मंगवा रहे हैं ओके। तो अब हम यहाँ पे हमें अपने साथी को छुड़ाना है, चाबी है तो चाबी लगा लेंगे हम आराम से। वो खुशी से नाच कैसे रहे। ये तो सबको बताया था भाई चाबी हाथ में है तो चाबी से ही खोल लो। यहाँ पे एक कार जो है वो गार्ड है ना, हम इसको कॉकरोच से डरा सकते हैं क्योंकि लड़कियाँ तो भाई कॉकरोच से डरती हैं। कौन कौन कॉकरोच से डरता है कमेंट में बताना। बेहोश हो गए कॉकरोच को देख के ओके। तो आगे कार्ड बैठा हुआ आ गया हमारा है गेट, ये येलो रेड ग्रीन। तो क्या करना है हमें चूज़ करना है। ओ रेड लाइट है ना तो ऊपर रेड वाला चूज़ करना, मैंने पहले ये नोटिस नहीं करा। डोर के ऊपर रेड कलर का सर्कल बना हुआ है, आई थिंक रेड चूज़ करना होगा। चलो फिर से यहाँ से ही दोबारा आ रहा है यार ये तो। ये नाच कैसे आ रहा है, मुझे इसको देख के बहुत हंसी आ रही है। खैर अब हम आगे चलते हैं ओके। ये भी हो गया हमारा लेवल और आगे आई थिंक के जो है ना हाँ रेड वाला चूज़ करना है कार्ड, क्योंकि ऊपर रेड लाइट लगी हुई थी लाइट और जो भी है ये सर्कल रेड कलर का लगा था आई थिंक यही होगा। ये क्या हुआ, ओ वहाँ पर येलो डॉट है वो देखो जहाँ पर वो स्कैन कर रहे हैं वहाँ पर येलो डॉट है तो येलो ही होगा। ऐसे येलो बचा है तो येलो ही होगा, लेकिन अब मैंने नॉर्मल समझी पहले रेड होगा पर लेकिन येलो होगा। तो अब ये खोलेगा जल्दी 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 जल्दी, बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है। ज़मीन के अंदर कभी नज़र आ रहा है ढांचे, मछली कहाँ से आ गई ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर कभी नज़र आ रहा है। चलो हम आगे चलते हैं और वहाँ पर हमें चूज़ करना है येलो ओके। तो हम चूज़ कर लेते हैं, देखो बटन के ऊपर जहाँ पर वो स्कैन कर रहे हैं ना वहाँ पर येलो कलर का एक डॉट है। ओ
ओके तो ये भी हमारा हो गया है और हमारे रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 days। तो आगे है ताला लगा हुआ है, अब हमें क्या करना है, ताले के ऊपर विंडो है तो दरवाजे के ऊपर विंडो है तो हम ऐसा करते हैं वहीं से चले जाते हैं सिंपली। ये भी मकड़ी से डरने लग गया, अभी तो दूसरों को डरा रहा था कॉकरोच से, लड़का होके डर रहा है मकड़ी से। कि दरवाज़ा तोड़ के चले जाओ, वो अपने साइज का ही तोड़ा है, वाह भाई वाह। ओ क्या आ गए तो इतनी सारी मकड़ियाँ हैं, ये क्या करेगा भाई, डंडी ले लेगा। चलो चलो पूरा कमरा ही साफ करके जा रहा है, वाह भाई अपना जल्दी जल्दी काम करके जाओ। ओके तो यहाँ पर थे हम, दरवाज़ा तोड़ देगा आराम से, लात मारेगा अपने साइज का ही टूट जाएगा इसके। ओके भाई आगे तो इतनी सारी मकड़ी, जबान चढ़ाएगा तो ये उसके पीछे लग जाएंगी, आग लगा के देखते हैं। ओके आग लग गई, तो भाई तो चढ़ाएगा तो उसके पीछे ही लग जाएंगी मकड़ियाँ, जबान अगर ये चढ़ाएगा फनी फेस बनाएगा तो उसके पीछे ही लग जाएंगी मकड़ियाँ, तो उससे अच्छी तो स्टिक थी। आज कैसे रहे, देखो अच्छा गाना गा रहा है ये, वाह गाना गाते ही मकड़ियाँ भाग गईं। ओके हैमर तो नीचे भी है देखो मट्टी के अंदर, तो उसको ऊपर जाना है, नीचे भी जा सकते शवल के ज़रिए नीचे जाए तो क्या होगा, आर पार भी जा, दीवार के आर पार भी जा सकते हैं और ऊपर खिड़की से भी जा सकता है, तो उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। ज़मीन के अंदर से क्या निकला, सही है वो, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि चलो ज़मीन के अंदर चलते हैं। ओके अब हमारा एक ही दिन बचा है, नहीं भैया हमें बेड वेड नहीं चाहिए, हम अपना यही लेवल करेंगे। ओके तो आगे एक डॉग भी है और एक गार्ड भी है ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टॉर्च। ये क्या हुआ, ये कैसे इसको करंट लगा, फिर जुगनू ले लेंगे, जुगनू का जार जो है तो उससे तो करंट वगैरह भी कुछ नहीं लगेगा, वरना इसके हाथ जल जाएगा कभी कुछ हो जाएगा। यही ठीक है, ये मुझे बताया था, जब उससे करंट लग गया तो उससे हाथ वाथ जल जाएगा। ओके तो भी ऊपर आ गया, तो आगे जंगल है और टावर भी है, ताकि झाड़ियों में छुप छुप के चल जाएगा। चलो जाओ, तो फिर ये डॉग बन के चले जाएगा क्या, इसको डॉग बनाते हैं, रुक जाओ अभी तो मुझे पता है क्या करना है। ओके जुगनू लेंगे हम, ये इसके ना हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, वरना वो दोबारा दोबारा स्टार्ट हो रहा है ना, बहुत बोरियत हो रही है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की साइड, निकल गए हम। ओके सक्सेस, और अब हमें चाहिए आई थिंक डॉग ही बनना होगा, इससे क्या करेगा ये, जैसी आएगी लाइट ये डॉगी की आवाज़ निकाल देगा। पत्तों से कौन डॉगी बनते, कम से कम कोई अच्छा मटेरियल यूज़ कर लेता। अब हम आगे आ चुके हैं, ओहो भाई क्या, तो अभी हमें कौन सी लाइट जो है वो काटनी है, आई थिंक रेड, क्योंकि रेड ऊपर जो है वो बटन भी बना हुआ है ना, रेड काट दो। ये क्या हुआ, करंट लग गया इसको तो, अल्लाह यार शुरू से करना पड़ेगा, अभी हम फिर से करेंगे।